नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम इस लॉकडाउन पीरियड में आपको रेलवे की कुछ ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि प्रशासनिक नियमों में उलझकर रह गई हैं। इनके बनाने के सपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बड़े जोर शोर से दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर इनमें से कुछ खुशनसीब रेलवे लाइनें ही अमल में आ पाती हैं। ऐसी ही एक रेलवे लाइन है आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले से मंदसौर को जोड़ने वाली 33.40 किलोमीटर की प्रतापगढ़ मंदसौर रेलवे लाइन, जिसका कि सर्वे वर्ष 2015 में स्वीकृत हुआ था, जो कि पश्चिम रेलवे के द्वारा वर्ष 2016 में किया गया। सर्वे की जानकारी हमें प्राप्त हुई है जिसमें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में -4.45% का रेट ऑफ रिटर्न तथा 381.48 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत बताई गई थी, जो कि रेलवे बोर्ड के पास भेज दी गई थी वर्ष 2016 जून महीने में, जिसको कि 7 मार्च 2017 को रेलवे बोर्ड द्वारा स्थगित या शेल्व अथवा ठंडे बस्ते में डालने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट में आमदनी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंदसौर से प्रतापगढ़ के बीच कुल 3 रेलवे स्टेशन रलायता, मचराना और घोटारसी बनाए जाने थे, जो कि अब इस प्रोजेक्ट के ठंडे बस्ते में चले जाने से नहीं बनाए जा सके हैं। आने वाले समय में यदि यह रेलवे लाइन बन जाती तो इसका विस्तार बांसवाड़ा और वहां से सांवलिया जी तक किया जाने की योजना भी रेलवे ने सर्वे हेतु बनाई थी। प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य इस जिले के अधिकांश लोग व्यापार के लिए मालवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उक्त 33 किलोमीटर की रेल लाइन मेवाड़ क्षेत्र से मालवा के सीधे कनेक्शन हेतु काफ़ी उपयोगी साबित होती, जहां क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास होता, शिक्षा के क्षेत्र का भी विकास इसके साथ में होता और रोजगार के अवसर विकसित होते। फिलहाल रेल सेवा नहीं होने से रोडवेज और ट्रेवल्स बसों के द्वारा ही यात्रा करने का एकमात्र जरिया है। वहीं रेल में सवारी के लिए प्रतापगढ़ वालों को चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है। वहीं पर्यटन के भी यहां पर काफ़ी दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं। गलियाकोट, सागवाड़ा में बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहीं प्रतापगढ़ के पास ही पशुपतिनाथ, गौतमेश्वर, दीपेश्वर, केसरिया जी, डाकोर जी व जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहीं सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उड़नगिलहरी जाखम बांध को पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतापगढ़ मंदसौर रेल लाइन को आगे बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से लिंक किया जाना था, लेकिन रतलाम से डूंगरपुर रेल लाइन के कार्य को शुरू करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वजह थी राज्य सरकार के द्वारा लागत व जमीन अधिग्रहण की हिस्सेदारी में भागीदारी से इनकार कर देना। इस वजह से भी प्रतापगढ़ मंदसौर तथा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ रेलवे लाइन के भविष्य को धक्का लगा है। यह रेलवे लाइन ऐसी रेलवे लाइन होने वाली थी जिस पर एक भी लेवल क्रॉसिंग गेट नहीं बनता, इसकी जगह पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाए जाने थे। प्रतापगढ़ क्षेत्र अपनी कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान व प्राकृतिक सौंदर्य तथा वन संपदा के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर पर्यटन की भरपूर संभावना है तथा आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र के चहुमुखी तेज विकास, पर्यटन व व्यापारियों के विकास के लिए रेलवे लाइन की यहां पर बहुत जरूरत है। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार आंदोलन भी किए हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार अपनी तरफ से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन रेलवे की उलझी हुई पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी नए क्षेत्र से रेलवे लाइन बनाने में वे लोग पहले अपना लाभ देखते हैं, इसके बाद ही कोई रेलवे लाइन स्वीकृत की जाती है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी से नीमच बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन गुजरने वाली है, जो कि स्वीकृत हो चुकी है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी का वीडियो पिछले दिनों अवगत कराया था। आगे भी इस रेलवे लाइन के संबंध में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।